गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको पकौड़ी वाली कढ़ी कैसे बनाएं ये बताने जा रही हूँ। देखिए, आप कढ़ाई में तेल डाल लीजिए और उसमें बनाए हुए बैटर को डाल के देखिए कि ये बन के तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इसमें फिर एक एक करके ऐसे सारा बैटर पकौड़े के रूप में डाल दीजिए। इस तरह से ये बैटर मैंने 1 कप बेसन और हल्दी, नमक और बेकिंग पाउडर डाल के मैंने ये बैटर तैयार किया था और इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। एकदम से आप इसकी पकौड़ी ना बनाएं, क्योंकि एकदम से इसकी पकौड़ी बनाने से सख्त बनती है। आप 10 मिनट के बाद इसकी पकौड़ी बनाएं। देखिए, इस तरह से आप एक एक करके सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दीजिए और उनको दोनों तरफ से सेक लें। ऐसे हिला हिला के दोनों तरफ से इसको सेक लें, अच्छे से आप इसको सेक लें, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आपको इसको हाई फ्लेम पे आपको इसको सेकना है, क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पे आप इसको सेकेंगे तो ये सख्त हो जाएंगी। आप इसको हाई फ्लेम पे सेकें तो ये बहुत स्पंजी सी हो जाती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है। इस तरह से ना, ये इस तरह से आप इसको सेक लें, सेक लीजिए आप इस तरह से इसको दोनों तरफ से। ये देखिए, ये अच्छे से सीख चुकी हैं। अभी आप इनको थोड़ा थोड़ा करके बाहर ऐसे निकाल लें, ऐसे निचोड़ निचोड़ के आप इनको बाहर निकाल लें। ऐसे करके आप सारी बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से आप इनको सभी को ऐसे निकाल लीजिए। आप इसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख दीजिए। अब मैं इसी तेल का यूज़ करने वाली हूँ आगे भी कढ़ी छोंकने के लिए। ये देखिए, मैंने धनिया लिया है, मेथी, सौंफ, साबुत मिर्च, सौंठ और प्याज को मैंने दो तरह सीखे तरीके से काटा है। एक लंबी प्याज काटी है और एक बारीक कटी। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है और इसमें लहसुन भी मैंने काटा है। अब 2 चम्मच मैं पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और 2 चम्मच मैं मेथी दाना डाल दूँगी और 3 मैं साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से अब इसको आप भून लीजिए। आप इसको बहुत ज़्यादा मत भून लेना, बस गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको भूनना। इस तरीके से आप इसको चलाते हुए भून लीजिए। देखिए, इस तरीके से आप इसको भून के इसमें आप चाहे तो यहीं पे अपने नमक, मिर्च और मसाले सारे डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी, मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि इतना टेस्ट नहीं आता। ये मैंने हींग डाल दिया इसमें, हींग का बहुत अच्छा छोंक में ना बहुत अच्छा टेस्ट आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। अभी देखिए, मैंने ये घोल तैयार करके रखा हुआ है। इसमें मैंने मट्ठे में बेसन घोल के रखा हुआ है। अब मैं इसे छोंक में धीरे धीरे करके डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको घोल में डाल दूँगी। इस तरीके से मैं छोंक में इसको डाल दूँ घोल को। और अब इसको आपको लगातार मतलब हिलाते रहना है, लगातार घुमाते रहिए। अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। इस तरीके से देखिए, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच मिर्च और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। इस तरीके से अब इसको लगातार चलाते हुए रहना है आपको। अगर आपने इस टाइम पे इसको छोड़ दिया ना चलाने से, तो ये फट जाएगा हमारा मट्ठा। इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए जब तक इसमें खद्दा ना लग जाए, अब इसमें बबल्स ना आ जाए ना, तब तक इसको चलाते रहिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे बंद नहीं करना है बिल्कुल भी चलाना, कम से कम 10 मिनट आपको इसे चलाना। देखिए, जो भगोना था ना जिसमें मैंने घोल तैयार कर रखा था, उसको मैंने धो के थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया है। इसको आपको कढ़ाना बहुत ज़्यादा है। जो मैंने चॉप करी हुई प्याज थी ना, लंबी काटी हुई प्याज थी, वो मैंने अब डाल दी है इसमें और फिर से मैं इसे चलाती रहूँगी। इस तरीके से हमें इसे छोड़ना नहीं है, बस चलाते रहना है। 1 चम्मच मैंने सौंठ डाल दी है, 1 चम्मच सौंफ डाल दी है। इस तरीके से आप फिर से इसको चलाते रहिए, बस इसको चलाते ही रहना है आपको। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये फट जाएगी और बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए, जितना आप इसे कढ़ाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस तरीके से आप इसको चलाते रहिए। अब जो मेरा सीक्रेट है ना कढ़ी बनाने का, वो यही है कि आप इसमें 1 चम्मच शक्कर का डाल दीजिए, चीनी 1 चम्मच आप इसमें डालिए। इससे इसका टेस्ट बड़ा लाजवाब हो जाएगा।
देखिए इस तरह से मैंने इसमें चीनी भी डाल दिया है, और देखिए अब बबल्स आने लगे हैं ना। अब इसमें हम 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, ये हमें पहले नहीं डालना है। जब इसमें खद्दा लग जाए ना, जैसे ये बबल्स आई हैं, इसके बाद हमें इसमें ये गरम मसाला डालना है। देखिए इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए, जब इसमें खद्दा लग जाए और बबल्स आने लगे ना अच्छे से, तब आप इसे ढक के पका सकते हैं, लेकिन तब तक तो आपको इसे चलाना ही पड़ेगा। आप इसे चलाते रहिए इस तरीके से, आप इसे जितना भी पकाओगे ना ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप इसे नहीं पकाओगे तो इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसे घुमाते रहें घुमाते रहें, ठीक है। देखिए अब इसमें बबल्स आने लगे हैं, अब तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अब तो इसे घुमाते ही रहना है, क्योंकि अगर आपने अभी इसे छोड़ दिया ना तो उबल के बाहर आ जाएगी। इस तरीके से आप इसे घुमाते रहिए चलाते रहिए इस तरीके से, बस इस तरीके से आप इसे चलाते रहिए। ये देखिए अब इसमें खद्दा लग गया है, अब इसमें अच्छी तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब इसे सिम करके ना, गैस इसके ऊपर ढककर रख के, अब इसे आप ढक करके ना 10 मिनट के लिए पकने दीजिए, बिल्कुल सिम करके। देखिए अब मैंने 10 मिनट पका लिया है इसे, अब इसके बाद इसे मेरे को इसे और पकाना है, मैं 10 मिनट और पकाऊंगी इसे। ये देखिए इस तरीके से, मैं कढ़ी को बहुत ज़्यादा पकाती हूँ इसलिए इसमें बड़ा टेस्ट आता है, ठीक है। आप भी कढ़ी को बहुत ज़्यादा पकाया करें, आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। इस तरीके से आप इसे बना दीजिए। अब जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, पकौड़ी बनाई थी, अब वो इसको डाल दीजिए, क्योंकि अभी वो बहुत कट गई है। पकौड़ी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं कटाना है। देखिए इस तरीके से मैंने सारी पकौड़ी इसमें डाल दी है, और हल्के हाथ से इसे इस तरह से चला दूँगी इस तरीके से बस। अब मैंने इसे चला लिया इस तरीके से, सारी पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। अब इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट में चलाऊँगी और बस मैं इसे बंद कर दूँगी। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, 15-20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ज़्यादा कढ़ाने चाहिए। देखिए मैंने इस तरीके से इसे सर्व कर दिया है। हम इसे चावल के साथ खाते हैं, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और बना के देखना और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।